फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है फ्रेंड्स। इस वीडियो में योनो एसबीआई एप्लीकेशन से बिना ब्रांच विजिट किए और विदाउट डॉक्यूमेंट से इंस्टेंट 7 लाख रुपीज पर्सनल लोन लेने का आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। और फ्रेंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, साइड में बेल नोटिफिकेशन है ऑन कर लीजिए। इसी तरह हम आपके लिए टैक्स से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, योनो एसबीआई एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद फ्रेंड हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहां पे मैं अपना एमपिन नंबर को एंटर कर देता हूं। फ्रेंड एमपिन नंबर मैं यहां पे एंटर कर दिया, उसके बाद हमारा योनो एसबीआई एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 7,43,000 रुपये पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हैं हम। नो ब्रांच विजिट, नो डॉक्यूमेंटेशन, इंस्टेंट क्रेडिट। फ्रेंड्स अगर आपके भी योनो एप्लीकेशन में इस तरीके से दिख रहा है तो आप भी पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हैं। अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है फ्रेंड। अगर आपको लोन को अप्लाई करना है, यहाँ पे लिखा गया अवेल नाउ, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं और जब इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको 4 स्टेप को फॉलो करना है, तो एक एक करके हम आपको बताते हैं। यहाँ पे लोन अमाउंट लिखा गया है, लोन अमाउंट जो है 7,43,000 है। अगर आपको लोन को कम करना है तो यहाँ से इस तरीके से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जितना लोन चाहिए यहाँ से आप अपने हिसाब से कर लीजिए। उसके बाद और यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथ लिखा गया है 72 मंथ, मतलब 6 ईयर्स के लिए होता है। तो यहाँ से आप मंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं 72 मंथ के लिए सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं 10.6% है और जो ईएमआई बन रही है फ्रेंड 13,991 रुपीज़। उसके बाद जो प्रोसेसिंग फीस है नील है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे ईएमआई पेमेंट स्टार्ट डेट सेलेक्ट करना होगा, कौन से डेट को आप ईएमआई भरना चाहते हैं। तो आपको कैलेंडर पे क्लिक कर देना है और जब आप इस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड यहाँ पे डेट आ जाएगा। यहाँ पे मैं 11 सितंबर को क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दिए फ्रेंड। यहाँ पे कुछ टर्म्स कंडीशन आ जाएगा, इसको आपको पूरा पढ़ लेना है। जब तक आप पूरा इसको नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड यहाँ पे आप इसको टिक नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसको मैं टिक कर देता हूँ। यहाँ पे इसको टिक कर दिए फ्रेंड। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। चलिए हम कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दिया फ्रेंड, यहाँ पे रिव्यू लिखा गया है। चलिए हम चेक कर लेते हैं। जो हमारा लोन अमाउंट है 7,43,000 रुपीज़ और 72 मंथ के अंदर में हमें लोन को पूरा करना होगा 6 साल के अंदर में। और जो आपका ईएमआई बन रहा है फ्रेंड 13,991 रुपीज़, आपको एवरी मंथ इतना भरना है। उसके बाद जो आपका प्रोसेसिंग फीस लग रहा है फ्रेंड नील है। और यहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट नंबर रहेगा, इसको आपको चेक कर लेना है। इसी अकाउंट नंबर पे आपका अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा फ्रेंड। और आपका यहाँ पे ईएमआई डेट रहेगा, इसको भी देख लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको ओटीपी एंटर करना है। जैसे ही आप ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे फ्रेंड आपके सेविंग अकाउंट नंबर पे लोन अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप लोन अमाउंट को ले सकते हैं फ्रेंड बिना ब्रांच विजिट किए और विदाउट डॉक्यूमेंट से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कर दीजिए लाइक। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, चैनल से आपको कुछ नॉलेज मिलता है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और गाइस नीचे कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा फ्रेंड।